Hi friends, today we are going to discuss about a video blogger. Video blogger जिसको हम लोग video blogger भी कहते हैं, blogger भी हम लोग कह सकते हैं या फिर video blogger कहेंगे। एक इजराइल के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है नसीर यासिन। जी हाँ, एक इजराइल का रहने वाला लड़का जो 27 साल की उम्र में उसने अपना नौकरी छोड़ दिया, एक बैंक में या किसी एक सेक्टर में काम करने वाला नौकरी, जो 9 to 5 नौकरी करने वालों में से था, उसने अपना नौकरी छोड़ दिया। छोड़ के क्योंकि उसके जिंदगी का पैशन कुछ और था, उसने नौकरी छोड़ा और वो अपने आप को एस्टैब्लिश किया एक ट्रैवल ब्लॉगर के हिसाब से। सो उस ब्लॉगर ने अपने लिए टारगेट सेट किया, उसने 1000 days चूज किया और कहा कि 1000 days में एवरी डे ही इज गोइंग टू पोस्ट ए वीडियो, और वो वीडियो जो होगा वो बस महज रहेगा 1 मिनट का। दोस्तों, उस 1 मिनट के वीडियो में हर दिन जो वो पोस्ट करता था, उस एक वीडियो में वो दुनिया का हर एक कंट्री उसने घूमा। हर एक कंट्री में जाके उसका एक विशेषता, उसका जो कोई खासपन, उसका कुछ अलग जो उसको करता, उसका यूनिकनेस को उसने उजागर किया। किसी जगह में उसने किसी फैशन एंड फोटोग्राफी को भी एंडोर्स किया, किसी जगह में जाके उसने किसी वार सिचुएशन में भी वहाँ के कंडीशंस को भी उसने वीडियो में उतारा। नसीर यासिन ने पहला वीडियो जो अपना बनाया वो केनिया में बनाया था। केनिया में जाके, केनिया के छोटे से गांव में, केनिया में नैरोबी में नहीं बल्कि एक छोटे से गांव में जाके उसने वहां के लोगों को सिखाया कि वीडियो कैसे बनाते हैं, और इस चीज को वीडियोग्राफ करके उसने व्लॉग बना के हम पूरे दुनिया के साथ ग्लोबली उसने शेयर किया। और शेयर करने के बाद उस वीडियो से उसका पहला अर्निंग जो था वो $3000 का था। ब्लॉग करते समय उसने ब्लॉग के जरिए में दुनिया का हर पहलू, हर प्रॉब्लम्स, हर इश्यूज, बर्निंग इश्यू हो या स्लो इश्यू हो, ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर पॉलिटिकल इश्यूज हो, हर तरीके का इश्यूज को उसने दिखाया। चाहे फिलिस्टीन और इसराइल के अंदर में जो डिफरेंसेस है उसको दिखाया हो, या फिर किसी रेशियल कम्युनल इश्यूज हो उसको भी उसने दिखाया। हर पहलू पर उसने वीडियो बनाया और हर एक वीडियो जो है उसका बस 1 मिनट, यानी दोस्तों 1 मिनट में उसने दुनिया का हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक पहलू को लोगों के सामने दिया है। पूरी दुनिया में उसका जो नसीर यासिन का जो वीडियो है, उस वीडियो का नाम है नैस डेली। नैस डेली यानी दो अलग अलग टर्म है दोस्तों, नैस यानी द पीपल, मास पीपल, और डेली का मतलब रोजाना। वो रोजाना लोगों के लिए, लोगों के जरिए लोगों का वीडियो वो बनाता है। और इस वीडियो ने इंटरनेट की दुनिया में ऐसा इजाफा लाया, ऐसा उसका ग्राफ इतनी ऊपर बढ़ गया कि मार्क जुकरबर्ग भी ये कहने को रोक नहीं पाए अपने आप को कि फेसबुक का जो स्टोरीज होता है, फेसबुक का जो स्टेटस होता है, सबसे ज्यादा लोगों ने जो यूज किया है या फिर देखना शुरू किया है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस नैस डेली। सो दोस्तों, बिना वक्त नष्ट किए या बिना वक्त जाया किए हुए इमीडिएटली आप जाइए नैस डेली, NASDALY, नैस डेली, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, उनका पेज में जाइए, लाइक कीजिए, उनका वीडियोज को देखिए। आपका जिंदगी को जीने का, सोचने का तरीका ही आपको बदल जाएगा। नैस डेली।